हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्मॉल सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज किया गया है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ गया है, 30 जून 2023 को नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और ये जो नया इंटरेस्ट रेट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर जिस भी सेविंग स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं सबका इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है कैलकुलेशन के साथ में। और ये सारे वीडियो आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल ई लर्निंग मनी पर मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। यहां पर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 4% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट का। अगर एक साल का टाइम डिपॉजिट करते हो, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट 6.9% है। ध्यान देना है, पिछले क्वार्टर में 6.8% था, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। दो साल का अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो तो 7% है, पिछले क्वार्टर में यहां पर भी 6.9% था, तो यहां पर बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। 3 ईयर का जो FD होता है यहाँ पर 7% है, पिछले क्वार्टर में भी सेम ही था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। 5 ईयर का जो FD होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, यहाँ पर 7.5% है, तो पिछले क्वार्टर में भी सेम था, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके अलावा 5 साल का RD अकाउंट अगर आप ओपन करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 6.2% था, तो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हो 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, यहाँ पर 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पिछले क्वार्टर में भी सेम था। 5 साल का मंथली इनकम अकाउंट अगर आप ओपन करते हो, जिसको MIS स्कीम भी कहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी भी सेम है, 7.4% रहेगा जुलाई के बाद भी। अगर 5 साल के NSC स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.7% है, कोई भी चेंजेस नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी सेम था। उसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट सेम है पिछले क्वार्टर के जैसे ही, 7.1%। यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए था PPF का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट आप अच्छा दोगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट सेम है पिछले क्वार्टर के जैसा, 8% ही है। उसके बाद किसान विकास पत्र, जिसको KVP स्कीम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट सेम है। ध्यान देना है, इस सेविंग स्कीम में पैसा आपका डबल होता है, तो पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे 115 महीने लगेंगे डबल होने में। उसके बाद एक ऐसा सेविंग स्कीम है जो कि इस साल लॉन्च किया गया था, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इस वाले सेविंग स्कीम के बारे में नोटिफिकेशन में बात नहीं किया गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम है, तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.5%, लेकिन इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 7.7%। बहुत ही अच्छा सेविंग स्कीम है, इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट है जो कि 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा और सितंबर 2023 तक एप्लीकेबल रहेगा।